हेलो एंड हाय फ्रेंड्स, मैं आप सभी का अपने इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो है वो है 5 इम्पोर्टेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्वेश्चन आंसर्स एवरी डे। दोस्तों, अब से हम कोशिश करेंगे कि हर दिन हम 5 इम्पोर्टेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस और आंसर्स को पढ़ें, ताकि हम जब इंटरव्यू देने के लिए जाएं तो हम फुली प्रिपेयर रहें। और दोस्तों, अगर आप किसी इंटरव्यू को फाइट करते हैं, उनमें आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अगर आप वो शेयर करेंगे तो इस कम्युनिटी के साथ और इस ग्रुप के साथ बहुत अच्छा होगा। हम सभी को सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा और हम कोशिश करेंगे कि वो सारे क्वेश्चन जो इंटरव्यू के अंदर जनरली पूछे जाते हैं, तो हम उनको अपने इस वीडियो के अंदर या आने वाले वीडियोज़ के अंदर उनको कवर कर सकें, ताकि हम जब इंटरव्यू देने जाएँ तो हमारी जो सक्सेस होने की जो रेट है वो दूसरों के मुकाबले ज़्यादा से ज़्यादा रहे। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं आज के 5 क्वेश्चन आंसर्स के साथ, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंटरव्यूज के अंदर जनरली पूछे जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम चालू करेंगे कुछ बेसिक क्वेश्चंस के साथ, जो कि इंटरव्यू के अंदर कई बार पूछे जाते हैं और हम सोच भी नहीं पाते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, कुछ बेसिक क्वेश्चंस को पहले कवर करते हुए चलते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हम लेवल को बढ़ाते हुए जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन जो हम आज चेक करने जा रहे हैं वो है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एब्सोल्यूट गेज एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एब्सोल्यूट गेज और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बीच में क्या रिलेशन है? जनरली दोस्तों, जो भी केमिकल इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ पे प्रेशर वेसल्स यूज होते हैं और उनकी टेस्टिंग करी जाती है, तो उनमें ये जनरली पूछा जाता है। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो ये है, एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। अब दोस्तों, कई बार ये पूछते हैं कि भाई एक बार बराबर कितने PSI होता है, तो एक बार बराबर होता है 14.5 PSI। अब एक एटमॉस्फेयर कितने बार के बराबर होता है? एक एटमॉस्फेयर 1.013 बार के बराबर होता है। तो दोस्तों, जो भी केमिकल इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ पे भी प्रेशर वेसल्स यूज होते हैं, तो उन प्रेशर वेसल्स की हाइड्रोलिक टेस्टिंग करी जाती है। तो दोस्तों, उन हाइड्रोलिक टेस्टिंग के अंदर ये प्रेशर जो टर्म्स हैं, प्रेशर के जो टर्म्स हैं, जैसे कि बार हुआ, PSI हुआ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हुआ, एब्सोल्यूट प्रेशर हुआ, गेज प्रेशर हुआ, तो इन टर्म्स का यूज किया जाता है। तो ये आपसे वो उम्मीद रखते हैं कि आपको इनके बेसिक्स के बारे में पता हो, ताकि जब वो आपको फील्ड में, जब आप इनसे इनसे काम पड़ेगा आपको, तो आपके लिए काफ़ी आसान रहे उस चीज़ को अडॉप्ट करने में। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्रेसर। तो इसका आंसर है, स्क्रू टाइप कंप्रेसर, रोटरी टाइप कंप्रेसर, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर और रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। दोस्तों, कंप्रेसर से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, क्योंकि आज के टाइम में जनरली सारी इंडस्ट्रीज के अंदर कंप्रेसर्स को यूज किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि हम स्क्रू टाइप कंप्रेसर कहाँ पे यूज करते हैं और रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर को हम कहाँ यूज करते हैं। जनरली ये स्क्रू टाइप कंप्रेसर और रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर ऑलमोस्ट सारी इंडस्ट्रीज के अंदर पाई जाती है। तो दोस्तों, जहाँ पे हमें हाई प्रेशर की जरूरत होती है और लो वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट रहती है, तो वहाँ हम पिस्टन कंप्रेसर को यूज करते हैं, और जहाँ पे हमें जो प्रेशर है वो लो चाहिए होता है लेकिन जो फ्लो है वो हमें ज़्यादा चाहिए होता है, तो वहाँ पे हम स्क्रू टाइप कंप्रेसर को यूज करते हैं। दोस्तों, स्क्रू टाइप कंप्रेसर जो होते हैं वो ड्राई स्क्रू टाइप कंप्रेसर भी होते हैं और ऑयल लुब्रिकेटेड स्क्रू टाइप कंप्रेसर भी होते हैं, वाटर कूल्ड होते हैं, एयर कूल्ड होते हैं। तो आप इनमें से वो आपसे ज़रूर पूछेंगे कि कौन से कंप्रेसर के बारे में आप उनको बता सकते हैं। तो आप सबसे पहले इन चारों स्क्रू कंप्रेसर को इंडिविजुअली अलग से स्टडी करें, और जब आप इन चारों स्क्रू कंप्रेसर के बारे में बताएंगे कि ये 4 तरह के स्क्रू कंप्रेसर हैं, तो वो ये आपसे ज़रूर पूछेंगे कि कौन से स्क्रू कंप्रेसर के बारे में आप उनको पूरी तरह बता सकते हैं। तो इनमें सबसे जो आसान है वो है स्क्रू टाइप कंप्रेसर, जिसके बारे में आप बता सकते हैं। इसका प्रिवेंटिव शेड्यूल होता है, और मेरा एक पहला वीडियो भी स्क्रू टाइप कंप्रेसर के ऊपर बना हुआ है, जिसको आप देख सकते हैं, उसमें इसकी पूरी नॉलेज दी गई है।
दोस्तों स्क्रू टाइप कंप्रेसर के बाद ये रोटरी टाइप कंप्रेसर होता है, इसमें वेन कंप्रेसर होता है, लिक्विड रिंग कंप्रेसर होता है, लोप कंप्रेसर होता है, और दोस्तों जो ये सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर्स होते हैं ये तो सेंट्रीफ्यूगल टाइप भी होता है और एक्सियल टाइप कंप्रेसर होता है। और दोस्तों रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के अंदर ये सिंगल सिलेंडर कंप्रेसर भी होते हैं, डबल एक्टिंग कंप्रेसर होते हैं, टू स्टेज कंप्रेसर होते हैं, कंबाइंड टू स्टेज कंप्रेसर्स होते हैं। तो दोस्तों इसकी आपको अलग से इंडिविजुअल हर एक कंप्रेसर की अलग से स्टडी करनी पड़ेगी जब आप इनके बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों ये तो हमने बेसिक की बात करी और इसके बाद हम अपना आप तीसरा क्वेश्चन स्टडी करते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन जो जनरली पूछा जाता है और ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, क्योंकि जो स्टील होता है वो स्टील जनरली हर एक इंडस्ट्रीज के अंदर यूज किया जाता है। तो दोस्तों ये स्टील के हीट ट्रीटमेंट के बारे में पूछा जाता है कि इसके कितने प्रोसेस होते हैं। ये एक बहुत ही मतलब बेसिक क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। टाइप ऑफ स्टील तो पूछा जाता है, आजकल ये भी क्वेश्चन एक पूछा जा रहा है कि हीट ट्रीटमेंट कितने तरह के करे जाते हैं स्टील के अंदर उसकी प्रॉपर्टीज में चेंज लाने के लिए। तो ये टोटल 12 तरह के हैं, ऑस्टेनाइजेशन, क्वेंचिंग, टेम्परिंग, मार टेम्परिंग, ऑस्टेम्परिंग, नॉर्मलाइजिंग, एनिलिंग, नाइट्राइडिंग, कार्बोराइजिंग, प्रोसेस एनिलिंग, स्पेरोडाइजेशन एनिलिंग और आइसोथर्मल एनिलिंग। तो दोस्तों ये इतने तरह के हीट ट्रीटमेंट किए जाते हैं स्टील के अंदर उसकी प्रॉपर्टीज में अलग अलग चेंजेस के लिए। तो दोस्तों अब अगला जो क्वेश्चन इसमें राइज किया होगा वो ये होगा कि आप इनमें से किसी एक प्रोसेस के बारे में बताइए या दो प्रोसेस के बारे में बताइए कि इस हीट ट्रीटमेंट के अंदर क्या किया जाता है। तो दोस्तों अगर आप कुछ जानना चाहें कि इनमें से कौन कौन से प्रोसेस के अंदर क्या क्या हीट ट्रीटमेंट किया जाता है, वो कैसे किया जाता है, तो हम अपने अगले वीडियो के अंदर आपको ये ज़रूर बताएंगे। अदरवाइज ये बुक्स के अंदर अवेलेबल है और अगर आप जानना चाहते हैं तो आप ज़रूर बताएं, अपने कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताएं, हम इसको और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्तों आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों और अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत कॉमनली पूछा जाता है, वो है कि क्या क्या नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड्स होते हैं। ये जनरली केवल थ्योरेटिकल नहीं है, ये प्रैक्टिकली भी सारी इंडस्ट्रीज के अंदर यूज़ किया जाता है। तो इसके बारे में जो इंटरव्यूअर होता है वो ज़रूर पूछता है और वो एक्सपेक्ट करता है कि जो बंदा इंटरव्यू में बैठा है उसको एटलीस्ट पता तो हो कि ये कितने तरह के टेस्टिंग मेथड्स होते हैं। तो दोस्तों ये 6 तरह के नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड्स होते हैं, जो कि है लिक्विड पेनिट्रेंट्स, रेडियोग्राफी, एडी करंट इंस्पेक्शन, थर्मल मेथड्स, मैग्नेटिक पार्टिकल मेथड और अल्ट्रासोनिक मेथड। तो दोस्तों ये सब अलग अलग नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड्स हैं, तो इनके बारे में इंटरव्यूअर ज़रूर पूछता है और वो जानना चाहता है। और इसका अगला क्वेश्चन यही रहेगा कि इनमें से कौन से मेथड के बारे में आप हमें पूरा बता सकते हैं। तो दोस्तों इसको भी स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। अगर इनमें से कोई भी टॉपिक अगर आप डिस्कस करना चाहें तो अपने कमेंट्स में ज़रूर दीजिए, हम इसको डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों ये सारे नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड हैं, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि ये हीट एक्सचेंजर कितने तरह के होते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर। तो दोस्तों जो अलग अलग टाइप के हीट एक्सचेंजर है वो है शेरन ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर, प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर, स्पाइरल प्लेट हीट एक्सचेंजर, एयर कूल्ड हीट एक्सचेंजर, कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर, रिकैप्चरेटर और रीजनरेटर। तो दोस्तों ये हमने पढ़े कि ये अलग अलग टाइप के हीट एक्सचेंजर होते हैं। दोस्तों आजकल सारी इंडस्ट्रीज के अंदर हीट एक्सचेंजर्स का बहुत इंपॉर्टेंस है और ये पूछा जाता है, तो इनमें हर एक जो हीट एक्सचेंजर है उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। तो इनमें से हर एक के बारे में इंडिविजुअली हमें पढ़ना है, समझना है, क्योंकि इंटरव्यूअर जरूर इनमें से किसी एक हीट एक्सचेंजर के बारे में आपसे पूछेगा और आपको उसको एक्सप्लेन करने के लिए कहेगा। तो दोस्तों मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा, आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप आगे और कौन सा वीडियो देखना चाहेंगे, या अपनी नॉलेज के हिसाब से आप कौन सा वीडियो हम लोग आपस में शेयर कर सकते हैं कि हम आपस में एक दूसरे की नॉलेज बढ़ा सकें। तो दोस्तों हमारा वीडियो यहीं ख़त्म होता है, हम कोशिश करेंगे कि जल्दी दूसरा वीडियो लाएं।
जिसके अंदर की हम और अलग अलग क्वेश्चंस को कवर कर सके जो कि इंटरव्यू के अंदर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर सब्सक्राइब करें, मेरे साथ सुबह रहे, थैंक यू।